और उसके बाद खबरें विस्तार से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर है, बैठक के तुरंत बाद राष्ट्रपति भवन जाकर पेश करेंगे दावा। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेगा एनडीए, सूत्रों के हवाले से खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेगा एनडीए, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए के सभी दल रहेंगे मौजूद, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेगा एनडीए, सूत्रों के हवाले से जानकारी। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे पीएम मोदी, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एनडीए की बैठक के बाद कुछ ही समय में फैसला भी निकलकर सामने आ सकता है। बैठक के तुरंत बाद राष्ट्रपति भवन जाकर पेश करेंगे दावा, राष्ट्रपति को सौंपेंगे समर्थन पत्र। एनडीए के सभी दल इस मौके पर रहेंगे मौजूद। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए को 292 सीटों पर जीत मिली है, ऐसे में आज ही दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली में आज एनडीए इंडिया गठबंधन की अहम बैठकें, पीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक में मौजूद, वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद। सूत्र के हवाले से खबर, सरकार में टीडीपी और जेडीयू की भूमिका को लेकर चर्चा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका को लेकर कोई शको सुबह अब नहीं रह गई है, ऐसे में बैठक में भी सरकार में टीडीपी और जेडीयू की भूमिका को लेकर अब चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ टीडीपी की तरफ से कई मंत्रालयों को लेकर मांग भी की जा चुकी है। देखना ये होगा कि बैठक के बाद इस पूरे मसले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। टीडीपी की तरफ से मांगे जा सकते हैं अहम मंत्रालय, सूत्रों के हवाले से खबर। पहले ही निकलकर सामने आ चुकी है मजबूत मंत्रालय की मांग कर सकता है टीडीपी। कई अहम मंत्रालयों की सूची पहले ही सामने आ चुकी है, कुछ ही देर में शुरू होगी इंडिया गठबंधन की भी बैठक। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी दल रहेंगे मौजूद। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन अपना दावा आज पेश कर सकता है सरकार बनाने को लेकर, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात को लेकर बयान आ रहे हैं कि सरकार बनाने को लेकर कोशिशें जारी रहेंगी। अब कौन सा गठजोड़ और कौन सी रणनीति यहाँ पर इंडिया गठबंधन लेकर चलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन भी लगातार कोशिशों में लगी हुई है और कोई कोर कसर और कवायद छोड़ना नहीं चाहती। सरकार बनाने के दावे को लेकर बयान कई नेताओं के सामने आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस बात को लेकर कहा है कि कोशिश को जारी रखेंगे। देखना यह होगा कि एक तरफ एनडीए गठबंधन और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा न्यूज टू से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य भी बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से एनडीए गठबंधन की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और सूत्र के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि बैठक खत्म होते ही राष्ट्रपति के पास अपना समर्थन पत्र लेकर दावा पेश करेंगे। बिल्कुल प्रियंका, देखिए लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन अब जो बैठक चल रही है वो सरकार बनाने को लेकर चल रही है, जहाँ पर नीतीश कुमार मौजूद हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं, वहाँ पे अमित शाह गृह मंत्री अमित मौजूद रहे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है लगातार। जिस तरह से अब देखना होगा की जिस तरह से अगर सहमति बनती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने लगातार कहीं ना पांच मंत्रालय मांगने की बात कही है, वही स्पीकर की बात की बात भी कही गई है, लेकिन लगातार बैठक के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात यह है कि तीसरी बार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन इसको लेकर पहले से घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब 5 बजे के बाद यानी 6-7 बजे तक कहीं ना कहीं ज्यादा सहमति बनती है। 1 घंटे बाद जो सहमति बनेगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उसके बाद उसे जो सरकार बनाने का जो नौता है वो दिया जाएगा वहाँ पर। और देखना यह होगा आखिर तक लगातार दोनों पार्टियां, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो दोनों पर दावा ठोक रही है कि सरकार हम बनाएंगे, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ इसमें जो उनके आवास पर मीटिंग चल रही है वो सहयोगी उनके साथ बैठे हुए हैं। अब क्योंकि जो मांगे सामने आ रही थी कि आखिरकार उनकी जो मांग है, हो सकता है नीतीश कुमार जी कोई अपना मांग रखे, इसको लेकर सबसे बड़ी बात करी जा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरह से जो लगातार जो प्रयास लगाया जा रहा है कि सरकार किसकी बननी है, लेकिन पहले से तय हो चुका है कि इसमें एनडीए की सरकार बनेगी अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनका सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, जो कि समय उन्होंने पहले ही कहा
कि हम एनडीए के साथ है और एनडीए साथ रहेंगे, तो ऐसा होता है तो आज वो दबाव पूरा फेस कर देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ आदित्य भी न्यूज रूम से बने हुए हैं। जी आदित्य, जिस तरह से एनडीए की बैठक लगातार चल रही है और बैठक खत्म होते ही समर्थन पत्र लेकर सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा एनडीए। देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लगभग पिछले एक घंटे से ज्यादा का समय हो चुका और ये बैठक चल रही है, और एनडीए के लिए बैठक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अगर ध्यान दें हम आंकड़ों की, तो आपको बता दें कि बीजेपी जो है 240 सीटों पर जो है जीत हासिल की, लेकिन 272 का आंकड़ा जो है वो नहीं पार कर पाई। इसीलिए बीजेपी के लिए ये काफी अहम हो जाता है कि जो भी एनडीए के 41 घटक दल हैं, जो एनडीए के सारे दल हैं, तो सभी दलों को जो है संतुष्ट करके रखना और सरकार बनाना। हालांकि एनडीए का जो कुल आंकड़ा था जो है 292 सीट्स उनके पास है, लेकिन इसमें जो है कई सारे दल हैं जो कई सारे अहम मंत्रालय और कई सारी चीजें की डिमांड कर सकती हैं, और इसमें जो है सबसे ऊपर अगर नाम आता है तो आपको बता दें कि टीडीएम यानी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का चेहरा जो है इसमें सबसे आम माना जा रहा है, क्योंकि टीडीएम के पास जो है कुल 16 सीटें हैं और उसके बाद 12 सीटें हैं जेडीयू के पास। तो नीतीश कुमार और टीडीएम की तरफ से चंद्रबाबू नायडू जो है जरूर इस मीटिंग में जो है कुछ बड़े मंत्रालय मांग सकते हैं। हालांकि ये बीजेपी के लिए एक काफी एक कठिन चुनौती है कि सभी घटक दलों को संतुष्ट रखना और अपनी सरकार बनाना। हालांकि मीटिंग लगातार जारी है और जितने भी दल हैं सभी इस मीटिंग का हिस्सा बने, तमाम बड़े चेहरे चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो जो है, और साथ ही पीएम आवास पर ये लगातार बैठक चल रही थी। और बैठक खत्म होने के बाद जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि 8 तारीख को जो है पीएम शपथ भी ले सकते हैं, और साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि आज ही सरकार बनाने का दावा जो है वो कर सकती है इंडिया। और आपको बता दें कि समर्थन पत्र लेकर जो है सब राष्ट्रपति के पास जाएंगे और आज ही सरकार बनाने का दावा हो सकता है। हालांकि ये काफी इसमें एक आपको बता दूं कि एक दिलचस्प चीज ये भी देखी जा रही है कि नीतीश कुमार जो पहुंचे हैं उनके पास भी 12 सीटें हैं, और बिहार की राजनीति में जो है काफी जो है उनका अहम रोल भूमिका अदा करते हैं, और साथ ही चंद्रबाबू नायडू जो है आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर भी साउथ में जो है बीजेपी और टीडीएम दोनों ने जो है गठबंधन करके काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, और अब लोकसभा के चुनाव में भी वो चीज अगर जारी रहती है तो ये अभी काफी एक चुनौतीपूर्ण काम है प्रियंका बीजेपी के लिए कि सभी को जोड़कर रखना, और जो विधानसभा का फॉर्मूला था वही लोकसभा में काम करता है नहीं करता है, क्या चीजें हैं। और साथ ही बैठक तो जो है 6 बजे शाम में इंडिया की भी होने वाली है, तो उस बैठक में भी जो है कहा गया है कि जो है हम भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और अखिलेश जी बिल्कुल, अजय का रुख करते हैं। जी अजय, जिस तरह से लगातार एक तरफ एनडीए दावा पेश करने के लिए आज ही पहुंचेगा बैठक के बाद, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बार बार नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि एनडीए के पास इस समय सरकार बनाने को लेकर बहुमत है, पहला निमंत्रण उनके पास जाएगा, नेता उनके पास जाएगा और समर्थन पत्र वो लेकर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरह से लगातार कोशिश करने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है, क्या तमाम कोशिशें करने के बाद भी 272 का जादुई आंकड़ा इंडिया गठबंधन के खेमे तक पहुंच सकता है? क्योंकि अगर नीतीश और टीडीपी को लेकर कहीं कोई गठजोड़ करने की कोशिश करें तो भी यह आंकड़ा 262 तक ही पहुंचेगा, 272 अभी भी दूर है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए लगातार कल से अगर बात करें, कल से जैसे सरकार चुनावों का नतीजा सामने आया और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भी ऑफर दिया, वही चंद्रबाबू नायडू को भी ऑफर दिया कि हमारे साथ मिलिए और हम आपको कहीं ना कहीं बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि उनका बहुमत पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुमत के से फिर भी 10 से 12 सीटें उनकी कम पड़ रही है, लेकिन लगातार बीजेपी के जो बहुमत है वो 292 पहुंच गया है, क्योंकि लगातार उनकी सरकार बनाते हैं। लेकिन ऐसे में वो भी चाहते हैं कि अगर ये दोनों हमारे साथ आ जाते हैं तो ऐसे जो निर्दलीय जो 18 सीटें लेकर आए हैं उनको साथ हम ले सकते हैं, तो ऐसे कहने का सवाल जो खड़ा होता है कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो किसको लेकर साथ में आएगा, क्योंकि 18 जो है वो किसके साथ जाएंगे किसके नहीं जाएंगे वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इनके पास में 212 अगर इन दो भी मिला लेते हैं दो भी सब भी 262 बनते हैं, फिर भी दावा नहीं कर सकते क्या कि हम प्रधानमंत्री या देश के अंदर अपनी सत्ता बनाएंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी लगातार 292 का बहुमत दे रही है और लगातार उनके साथ कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो देखिए इसीलिए प्रधानमंत्री आवास पर आज मीटिंग चल रही है, क्योंकि जो भी शर्त रखी गई है जैसे सूत्रों से बताया जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू ने जो मांग की है क्या उन शर्तों को पूरा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, अगर वो इनको शर्त मान ली जाती तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपनी कोई ना कोई मांग जरूर रखेंगे अपने सांसदों के लिए, क्योंकि दोनों सीएम भी रहे हैं, अभी सीएम है मौजूदा सांसद के लिए, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए की जो सरकार है
वो 6 बजे के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वो अपना जो बहुमत है वो साबित करेंगे, राष्ट्रपति के साथ लेकर जाएंगे कि हम सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा होता तो 8 तारीख को कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से लगातार बैठक के बाद अब आसार हैं इस बात के कि एनडीए समर्थन पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और उसमें कुछ देर का समय अभी बचा है, लेकिन बैठक में लगातार टीडीपी और साथ ही साथ जेडीयू की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है और ये बेहद अहम है क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता था तो एनडीए की सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान था। इस बार बहुमत क्योंकि बीजेपी के लिए अकेले नहीं मिला है, ऐसे में गठबंधन की मजबूरी का जो दौर 2014 से पहले चलता था वो एक बार फिर से वापस लौट कर आ गया है। जी प्रियंका, आपको बता दें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आंकड़ों का खेल जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ जो है नहीं बढ़ पाई, वो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई, तो इसीलिए अब ये बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा कि सभी पार्टी को सभी घटक दलों को अपने साथ जोड़ के रखें। और प्रियंका आपको बता दें कि एक दिलचस्प तस्वीर जो है आज सोशल मीडिया पर खबरों में निकल कर आई थी कि जब नीतीश कुमार आ रहे थे यहाँ दिल्ली तो उनके साथ में तेजस्वी यादव भी थे और जब फ्लाइट जो है टेक ऑफ होने वाली थी तो उसमें जो है दोनों आगे पीछे बैठे थे, लेकिन जी बिल्कुल फ्लाइट जी बिल्कुल आदित्य राजनीति है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस जानकारी के बहुत शुक्रिया अजय भी हमारे साथ बने थे, अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। और रुक करते हैं अगली खबर को लेकर, पश्चिमी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय चौहान ने, इस दौरान क्या कहा नवनिर्वाचित सांसद ने आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की जनता ने जनता पार्टी के साथ दिखाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और ये चुनाव के पहले दिन जब शुरू हुआ चुनाव 85 दिन का प्रचार था, रोज हमारी ये भावना बढ़ती गई जब हम जनता के बीच में गए हैं और हमें रोज लगा है कि जनता बहुत ज्यादा खुश है प्रधानमंत्री के जनता के कामों से। और पहले दिन से मेरा जब भी किसी ये बात हुई किसी भी चैनल से या अपने प्रिंट मीडिया के साथ से, मैंने ये कहा चिंता नहीं करिए, दिल्ली में 100 सीटें भाजपा जीतेगी, काम के दम पर जीतेगी, विकास के दम पर जीतेगी, और वही हुआ। दिल्ली का जो विकास होगा वो किस तरह से, दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी, जाम को लेके जिस तरह से अर्बन एक्सटेंशन रोड द्वारका एक्सप्रेस वे बना है, केंद्र सरकार उस पर काम करेगी, आयुष्मान भारत की योजना को संकट से हमारे जो अधिक आयु के हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए पहले लागू कर दिया गया है, युवाओं महिलाओं किसान और गरीबों की अलग से योजनाएं आ रही है, विश्वकर्मा योजना को लाया जा रहा है, तो धरती पर किस तरह से सबको मजबूत किया जा सके इस पर भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 7 सीटों पर चुनाव अपने एजेंडा पे लगा, हमारा एजेंडा विकास का था जो पिछले 10 साल में हुए, हमारा एजेंडा अगले 5 साल का था जो हमारा संकल्प पत्र है, हमारे एजेंडा में देश कहाँ से कहाँ को चाहिए सब था, तो हमने अपने एजेंडा के अलावा कभी कोई बात नहीं करी और उसी के ऊपर हमने चुनाव लड़ा, वही जनता को हमारी आशीर्वाद मिला। दिल्ली में जल संकट सबसे ज्यादा रहा, जल संकट तो देखिए केजरीवाल जी की अदूरदर्शिता, बल्कि मैं कहूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में कोई भागीरथ नहीं आने वाले जो नई गंगा लेकर आएंगे, पानी की मैनेजमेंट नहीं है, 500 करोड़ से जो दिल्ली करोड़ प्लस होता था कभी फायदे में होता था, 70,000 करोड़ माइनस था, तो ये दिल्ली की जनता को जो आज भुगतना पड़ा है ये केजरीवाल साहब की मिसमैनेजमेंट की वजह से भुगतना पड़ा है। हमारे साथ दिल्ली का हम विकास करेंगे, जिस तरह दिल्ली ने हम पर विश्वास किया, 7 सीटें हमें दी है, केजरीवाल लगातार बीजेपी पूछते जा रहे थे लेकिन उनको दिल्ली ने पूरा देश नकारा और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दिल्ली के अंदर फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने प्रचंड जीत दर्ज की है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी 7 प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता का धन्यवाद दिया। इस दौरान योगेंद्र चंदोलिया ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया है, साथ ही उन्होंने कहा कि ये मोदी की जीत है। इंडिया वॉइस संवाददाता कमल किशोर ने उनसे की खास बातचीत। अरे भाई दिल्ली की जनता ने तय कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में एमपी बनाना है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जमकर लोगों के बीच में गए, जय श्री राम किया और लोगों को बिल्कुल विश्वास था मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते मेरे कार्यकर्ता लग गए
और वो चुनाव जीत गया। जनता के वादे जो आपने किए किस तरीके से पूरे किए, देखिए बहुत सारे वायदे हैं। डीडीए के लैंड वहां पर है, डीडीए की बड़ी योजनाएं मैं बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाएंगे, पार्कों का सुंदरीकरण करेंगे, तालाब जो है वाटर बॉडी उनको ठीक करेंगे, बहुत सारे काम है जो मेरे प्रारंभ हो जाएंगे। बात कर रहे हैं 400 पार की बात कर रहे थे और हम भारी मतों से आप जीते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे कितने मतों से आप जीते और उसका श्रेय किसको। देखिए 2,90,000 वोट से मैं जीता हूँ और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और मेरे क्षेत्र के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यह थे हमारे साथ मौजूदा सांसद चंदोलिया जी, जो बात करी थी हमारे जनता के जो वादे किए उस पर अभी खड़े उतरेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाई है। ऐसे में बीजेपी के नेता से सांसद बने हर्ष मल्होत्रा ने इंडिया वॉइस से की खास बातचीत। विकास के कितने विकास अब देखने को मिलेंगे और पहले भी विकास पूर्वी दिल्ली में और पूरी दिल्ली में बहुत हुआ है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर डेवलपमेंट। आगे भी विकास जनता से बात करके जो उसकी आवश्यकता होगी पूरा करें। इंडिया गठबंधन की चौहत के 7 सीटें हमारी आएगी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री करते 7 सीटें अब जो है आम आदमी पार्टी की, क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के जेल का जवाब जो वोट से दिया है, उन्होंने भ्रष्टाचार का जवाब वोट से दिया। कई कैंपेनिंग उन्होंने चलाई थी, आशीर्वाद कैंपेन का जवाब वोट वो उन्होंने चलाई, वो जाने उन्होंने क्या किया, लेकिन दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार का जवाब वोट से दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? जनता के बीच में रहूंगा, उनके लिए सेवा करूंगा, जैसा वो चर्चा करके डिसाइड करेंगे, जैसी उनकी जरूरत है उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी बात कर रही है, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करेंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ में इंडिया वॉइस दिल्ली। वहीं प्रवीण खंडेलवाल ने इंडिया वॉइस से की खास बातचीत, जहां इस खास बातचीत में प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं था तो पता नहीं किस भरम में उन्होंने दिल्ली की जनता से वोट मांगा, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया है। राजनीतिक अवसरवादिता से भरा हुआ था इसलिए लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को और कांग्रेस को अपने विषय में आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर 700 सीटें उनकी है, कितना इसके अंदर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और वो पता नहीं किस भ्रम में जी रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। उन्होंने जो भी कुछ कहा दिल्ली की जनता ने ठीक उसका उल्टा कर दिया, उसके लिए दिल्ली की जनता को बधाई है, साधुवाद है। कितनी चुनौतियां देखने को मिली इन चुनाव के? कोई चुनौती नहीं थी, चुनाव हम बहुत आराम से लड़ रहे थे क्योंकि हमारे पास नेता था, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है, तो इसलिए चुनाव में कभी चुनौती थी नहीं। धन्यवाद तुमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल, ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो 7 सीटें हैं वो आती हुई नजर आई है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।